मंत्री जयंत जी के दिन और आयुर्वेद दिवस के दिन आप सभी लोग हमारे क्लिनिक में आए पधारे और इस उपलक्ष को आपने काफी अच्छे से आयोजित किया। इस सब चीजों के लिए मैं अपने स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज धन्वंतरी दिवस या धन्वंतरी जयंती जिसे हम लोग बोलते हैं वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था समुद्र मंथन के माध्यम से, जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए और बुरी चीजों को बाहर निकालने के लिए तो उस समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ। धन्वंतरी जी एक कलश लेके अवतरित हुए जिसमें काफी सारी औषधियां, जड़ी बूटियां और बहुत से ऐसी चीजें थी जो कि संसार के रोगों के निवारण के लिए अत्यंत आवश्यक थी और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज धन्वंतरी जयंती मनाते हैं जिसको आजकल लोग धनतेरस बोलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं, हम लोग एवीएन यानी एवैस्कुलर डायग्नोसिस ऑफ हिप जॉइंट का इलाज करते हैं। अधिकतर इससे पहले हम लोग लगभग सभी बीमारियों का इलाज करते थे मगर जब से कोरोना हुआ या कोरोना से पहले भी एवीएन बढ़ने लगा था। सर 2015 के बाद मैंने पहला एवीएन का केस देखा। और पूरी ताकत से अपनी एवीएन के ट्रीटमेंट में पूरे साथ दिया है लोगों ने मेरा। तो आज इस पर्व के माध्यम से इन लोगों को मैं एक एक्सलेंट अवार्ड से भी सम्मानित करूंगा सो दैट कि इन लोगों को भी थोड़ा सा और उत्साह वर्धन हो और ये लोग और अच्छे से अपने हम सर से अनुरोध करते हैं, मैम से भी जहां पर आए थोड़ा सा ये जो कार्यक्रम है जिन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है क्लिनिक के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये अवार्ड वितरण का समारोह का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर मैम से अनुरोध करते हैं कि वो यहाँ पर आए और एक एक दिवस जो धनतेरस जिसे कहते हैं जो मनाया जा रहा है ये काफी अच्छा हम लोग के लिए इसलिए भी क्योंकि काफी हद तक सफलता मिली हम लोगों को, हर कैंप में अच्छे परिणाम मिले। तो इसी उपलब्ध सीरीज में एक विभिन्न जी है जो कि अभी नया इन्होंने ज्वाइन किया है हमारे पास और इनका सम्मान करना चाहते हैं। तो उपलब्ध विभिन्न जी का बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी से। गुड मॉर्निंग आप सभी से। धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपसे। इसी सीरीज में एक स्टार हो रहे हैं जो कि काफी समय से जुड़े हैं हमारे पास प्रदीप जी और इनको भी 2 साल हो गए इनके लिए भी सम्मान। तो ये एक्सीलेंस अवार्ड सम्मान समारोह
सब इन लोगों ने जो बिना बताए इसका आयोजन कर दिया, इसके लिए इन लोगों को सबका इसी प्रकार सफलता पूर्वक इलाज करते रहे, वो सही होते रहे। ये भी हम फिर से दोहराना चाहते हैं, अगर एवियन को हराना